ये खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने टिहरी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि टिहरी में एक तरह से अब भी राजशाही कायम है, इसलिए वो राजशाही को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरने को अब तैयार हैं। हालांकि इसका फैसला पार्टी हाईकमान को ही करना है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जैसे ही उत्तराखंड भाजपा ने एक बार पुनः रानी साहिबा को टिहरी संसदीय क्षेत्र से रिपीट करने का मन बनाया और घोषणा की, तब से लगातार मन में उहापोह चल रहा था, एक आकलन चल रहा था कि आखिर रानी साहिबा की एक सांसद के रूप में भूमिका क्या रही, क्या उनकी साल दर साल उपलब्धि रही, और नतीजा 0/0 मिला। ना उन्होंने विस्थापितों की बात को उठाया, ना डूब क्षेत्र के लोगों की बात को उठाया, ना उन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, ना बेरोजगारी की बात, ना महंगाई की बात, ना जंगली जानवरों की बात। उन्होंने एक तरह से टिहरी की जनता को अनाथ छोड़ दिया। बार बार टिहरी की जनता ने उनको सर माथे बैठाया, पलक पावड़े बिछाए उनके लिए, और उनको प्रेम और विश्वास स्वरूप अपना मत उनके नाम कर दिया। लेकिन रानी साहिबा ने एक बार नहीं, कई बार टिहरी की जनता की पीठ में छुरी भोंकी है। उन्होंने कभी टिहरी की जनता के साथ न्याय नहीं किया, और जब मैंने आकलन किया तो मुझे ऐसा लगा कि एक महिला होने के नाते मैं कहीं ज्यादा सामर्थ्यवान हूं, मैं कहीं ज्यादा सक्षम हूं कि मैं राजशाही को चुनौती दे सकूं। अगर मेरे बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, अगर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को ये लगता है कि मेरे अंदर वो साहस और वो सामर्थ्य है कि मैं राजशाही को चुनौती दे सकती हूं, तो मैं निश्चित रूप से अपनी पार्टी के सामने अपनी दावेदारी करने के लिए तैयार हूं।